बड़े अभी तक बातें सामने आ रही है और अपडेट हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं। बीजेपी 203 सीटों से आगे चल रही है, 203 सीटों की बढ़त बीजेपी के नाम हो चुकी है, यानी बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। यह बड़ा अपडेट, बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छुआ है। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 94 सीटें, लेकिन 203 सीटें बीजेपी के खाते में मिलती हुई नजर आ रही है और ये बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही है बीजेपी। आयुष बिल्कुल, और इसी में हम चर्चा में वापस लौटेंगे। श्री कृष्ण यादव जी, मैं आपके पास आऊंगा। श्री कृष्ण यादव जी, अब तो बहुत ज्यादा बढ़त हमको दिख रही है, लगभग 300 सीटों के रुझान अब हमारे पास आ चुके हैं और अब तो 10 भी बजने वाला है, इसको कवर अप कर पाएंगे? मैं अस्वस्थ हूं कि इसको मैं कवर करूंगा, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत 60 कंपनी पीएससी अतिरिक्त लगी है, 70,000 से अधिक ऑफिसर्स यानी सीओज, इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स को लगाया गया है। प्रत्येक जनपद में जो है इस पूरी काउंटिंग व्यवस्था को जो सीसीटीवी से मॉनिटर किया जा रहा है और अभी 9 बजे तक हमने सभी जनपदों से पूछा है, सभी जगह सुचारू रूप से काउंटिंग चल रही है। सबका सभी जनपदों में जो जिलाधिकारी हैं वो प्रॉपर व्यवस्था उसकी सुनिश्चित कर रहे हैं और अभी जो है धीरे धीरे करके काउंटिंग की और प्रगति आएगी। दो चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोई भी विक्ट्री प्रोसेशन का जो है इलेक्शन कमीशन से पहले ही बैंड है और जो भी कैंडिडेट्स जो भी अलग अलग पार्टी के लोग हैं वो सुरक्षा उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। तो ये सभी निर्देश विस्तृत रूप से शासन से DGP ऑफिस से दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शंस बहुत क्लियर हैं और व्यवस्था सुचारू रूप से जो है संपादित की। हम ये कह सकते हैं किसी तरीके का सुरक्षा में कोई व्यवधान उत्पन्न करने का? देखिए, बहुत बृहद रूप से तैयारी इलेक्शन के काउंटिंग की होती है, सभी जनपदों में बृहद तैयारी है, सभी अधिकारी बहुत सजग रूप से ट्रांसपेरेंट एक व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं एंड कहीं कोई किसी तरह की अभी तक कोई प्रॉब्लम रिपोर्टेड नहीं है। ये जरूर है कि कहीं भी जो है किसी को भी इस काउंटिंग की व्यवस्था में कहीं भी व्यवधान उत्पन्न करने नहीं। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटेंगे। श्री कृष्ण यादव जी, देखिए 204 और 94, अब मेरा सवाल आपसे यही था कि ये कैसे, ये जो गैप है इसको फिल कर पाएंगे और कैसे आश्वस्त हैं आप? अभी बहुत टाइम है साहब, धीरे धीरे चलते चलिए, देखते जाइए, गिनती सामने आ जाएगी, गिनती सामने आ जाएगी। और मैं ये मानता हूं कि ये चुनाव जो है जनता ने लड़ा है, जनता जनार्दन है, उसका आएगा मैंडेट सामने आएगा, जिसे आप देखेंगे, उसका आंकलन करेंगे, किस तरीके से कभी कभार किस तरह से बाजी पलटती है और किस तरीके से अचानक से वही स्थिति हो जाती है जो पश्चिम बंगाल में हुई, क्या नाम की भाजपा जीती और उसके बाद जो है ममता जीत गई और ये कहते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति, लेकिन रुझान में नहीं था। तस्वीरें क्या बता रही है कि यहाँ पर तो पूर्ण बहुमत दोनों जगह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, वहां पर 204 का आंकड़ा है और यहाँ पर 40 उत्तराखंड में भाजपा। जी 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 जी, ये सही है, ये सही है और उसको काउंटिंग तो चली रही है और आप देखते जाइए। लेकिन ऐसा मैं यादव जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। यादव जी, क्या ये हम मान के चलें कि अब EVM पे ठीकरा नहीं फोड़ा जाएगा या अभी जैसे जैसे समय बीतेगा 12 बजे 1 बजे तो वहां पर दूसरा कोई राह गलापना शुरू कर देंगे? नहीं, राग अलापने की बात नहीं है, अपनी बात प्रस्तुत करने की बात है। EVM तो सवालों को घेरे में बहुत शुरू से है, प्रारंभ से EVM हमेशा, हालांकि पेशबंदी के तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी वाले कह देते हैं कि अंत में ये EVM पे ही ठीकरा। चलिए कुछ पंजाब की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई आम आदमी पार्टी की तरफ। देखिए अभी EVM का जिक्र हुआ था विपिन जी, देखिए पंजाब में उसी EVM से चुनाव हो रहा है, वहां पर आम आदमी पार्टी देखिए वहां पर दिख रहा है और वहां तो हम लोगों ने देखा जश्न की तस्वीरें भी आने लगी। ये EVM को लेकर किस तरह के जो सवाल उठते हैं श्री कृष्ण जी, इसीलिए विपिन जी ने पूछा कि वो ठीकरा कहीं EVM पर तो नहीं फोड़ने का तरीका? बिल्कुल, कुछ साल पहले देखिए मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव हुए थे, वहां EVM पे ठीकरा नहीं फोड़ा गया, वहां EVM वेस्ट बंगाल का एग्जांपल ले लेना जिसको आप बताते हैं कि देखिए सारे जो आंकड़े धरे के धरे रह गए।